नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में केरला हाई कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में एक और बड़ा फैसला 6 नवंबर 2020 को दिया गया था। तो उस फैसले की जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे अभी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ये जो ऑर्डर कॉपी है तो इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, केरला हाई कोर्ट द्वारा इससे पहले 12 अक्टूबर 2018 का जो फैसला था तो उसी फैसले को जो है वो बरकरार रखकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन भुगतान करने का आदेश जो है वो इस फैसले में दिया है। तो जी दोस्तों, ये जो बड़ा फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में केरला हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया था तो इस फैसले की जो ऑर्डर कॉपी है तो अभी हमारे पास है, इसको अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले। लगभग ये जो ऑर्डर कॉपी है तो 500 के ऊपर जो है वो इसके पेजेस है, तो इसके लिए हमने आपके साथ इसकी पीडीएफ कॉपी जो है वो शेयर की है। तो इसके लिए आप जो है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो ऑर्डर कॉपी है जिसमें पेंशन धारकों के नाम है जिनको इस फैसले का जो है वो लाभ होने वाला है। तो जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये जो ऑर्डर है तो उसे जो आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो 6 नवंबर 2020 को बड़ा फैसला सुनाया गया था तो उस फैसले की जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे हम देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, केरला हाईकोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में 6 नवंबर 2020 को जो बड़ा फैसला उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन भुगतान के संदर्भ में दिया गया था तो उस फैसले में क्या कहा गया था तो उसे हम जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आप किस तरह से इस फैसले की जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है तो इस आर्टिकल का लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। इसी आर्टिकल में मैंने ये जो जजमेंट यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है तो वो जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया हुआ है। इसलिए ये जो आर्टिकल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अभी जान लेते हैं कि केरला हाईकोर्ट द्वारा अपने आदेश में क्या कहा गया था। केरल उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश के अनुसार 6 महीने के भीतर वेतन के अनुसार पीएफ पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएम शेफिक और पी गोपीनाथ सहित डिवीजन बेंच ने 12 अक्टूबर 2018 को जारी केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। पिछले केरल उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं करने पर सवाल उठाने पर अदालती मामलों के लगभग 80 अवमानना मामलों को निपटाने के बाद नया आदेश जारी किया गया है। केरल उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगा। वर्तमान निर्देश लगभग 400 लोगों पर लागू होगा जो अदालत के मामले की अवमानना में एक पक्ष के रूप में शामिल हुए थे। केरल वन विकास निगम HOC, HNL और अन्य के कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 2018 में जारी अदालत के आदेश को लागू करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत की अवमानना का मामला दायर होने के बाद कई लोगों को उनके वेतन के अनुसार पेंशन मिलना भी शुरू हो गया है। केरल उच्च न्यायालय ने ये जो महत्वपूर्ण फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया है उस फैसले की जो ऑर्डर कॉपी है तो उसे आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ऑर्डर कॉपी डाउनलोड करने के लिए ये जो आर्टिकल है तो इसमें मैंने ये जो ऑर्डर की कॉपी है जिसके लगभग 582 पन्ने हैं तो उसे डाउनलोड करने के लिए ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है जिसमें यहाँ पर ये जो ऑर्डर दिया गया है तो इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी दी हुई है। उसके बाद पूरी ऑर्डर की कॉपी जो है वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट कॉपी ऑफ केरला हाईकोर्ट ऑर्डर डेटेड 6 नवंबर 2020। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आपको जो है वो कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो डाउनलोड करने के लिए एक लिंक जो है वो मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आप ये जो पीडीएफ की कॉपी है तो उसे जो है वो डाउनलोड करके ये जो ऑर्डर कॉपी है तो इसकी पूरी जानकारी ले सकेंगे। जिन्हें अगर हम वीडियो में स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आर्टिकल दिया हुआ है तो उस आर्टिकल में ये जो पीडीएफ की कॉपी है तो उसे जो है वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो ऑर्डर पारित किया गया है 6 नवंबर 2020 का,
तो जी ये जो जजमेंट यहाँ पर पारित किया गया है जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में है, तो इसके बारे में आप ये जो ऑर्डर की कॉपी है तो उसमें जो है वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे जो है वो दलील में रखे गए और बाद में ये जो फैसला है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में सुनाया गया है, तो इसके बारे में जो है वो पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, केरला हाईकोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में ये जो महत्वपूर्ण फैसला एक बार फिर से सुनाया गया है, जो कि केरला हाईकोर्ट द्वारा इससे पहले जो फैसला अक्टूबर 2018 में दिया गया था, तो उसी फैसले को यहाँ पर बरकरार रख के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन भुगतान करने का आदेश जो है वो दिया गया है। साथ में यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो ऑर्डर यहाँ पर पारित किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में जो ईपीएफओ द्वारा और केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा याचिकाएं दाखिल है तो उनके फैसले के अधीन होगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये जो बड़ी राहत है तो वो मिली है। साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करना होगा। साथ में इस फैसले को यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा 6 महीने के भीतर लागू किए जाने के बारे में भी कहा गया है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में एक बार फिर से दिया गया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।